गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास एट्थ सब्जेक्ट SST चैप्टर 10। तो डियर स्टूडेंट्स, जो चैप्टर 10 चल रहा था, हमने पढ़ा था अब तक कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, भूमि संसाधनों का संरक्षण। अवश्य हम आगे पढ़ेंगे सॉइल। सॉइल मीन्स मिट्टी। सॉइल मीन्स क्या होता है? तो सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर्स ऑफ अर्थ क्रस्ट विच सपोर्ट ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। सॉइल मान मिट्टी इज द अपर मोस्ट लेयर, ऊपरी परत होती है ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जो पृथ्वी की जो फरपटी होती है या पृथ्वी की जो पपड़ी होती है उसकी ऊपरी परत होती है, विच जो सपोर्ट ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जो पौधों की वृद्धि को सपोर्ट करती है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ नंबर एक मिनरल पार्टिकल्स, नंबर टू ह्यूमस, नंबर थ्री मिनरल साल्ट, नंबर फोर वाटर, नंबर फाइव एयर, नंबर सिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इट इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, यह जटिल मिश्रण है। कौन? मिट्टी। मिट्टी जो है वो मिनरल पार्टिकल्स, खनिज तत्वों का मिश्रण होता है, ह्यूमस जीवाश्म का मिश्रण होता है, मिनरल साल्ट खनिज का मिश्रण होता है, वाटर पानी का मिश्रण होता है, एयर हवा का, लिविंग ऑर्गेनिज्म सजीव सूक्ष्म जीवों का, इन सब चीज़ों का जो मिट्टी होती है, इन सब चीज़ों का जटिल मिश्रण होता है। सॉइल इज ए रिन्यूएबल एज वेल एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। सॉइल माने मिट्टी, इज ए रिन्यूएबल, मिट्टी नवीकरणीय होने के साथ साथ अनवीकरणीय संसाधन भी माना जाता है। मिट्टी को नवीकरणीय के साथ साथ अनवीकरणीय संसाधन भी माना जाता है। वो कैसे? देखो, ए सॉइल इज रिन्यूएबल बिकॉज इट्स प्रोडक्टिविटी कैन बी मेंटेन्ड विद फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स रिच इन ह्यूमस। तो सॉइल इज रिन्यूएबल, मिट्टी नवीकरणीय है बिकॉज, क्योंकि इट्स प्रोडक्टिविटी, इसकी उत्पादकता को कैन बी मेंटेन किया जा सकता है विद फर्टिलाइजर्स, उर्वरकों एंड मैन्योर्स, और मैन्योर माने खाद, रिच इन ह्यूमस जिसमें जीवाश्म की सबसे ज़्यादा मात्रा हो, उन सब चीज़ों उर्वरक और खाद के द्वारा इसकी उत्पादकता को बनाए रखा जा सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन। अच्छा, इफ़ द सॉइल हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम ए सर्टेन प्लेस बाय एरोजन, इट इज पार्टिकली नॉन रिन्यूएबल बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सॉइल मे टेक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। इफ़ माने यदि, द सॉइल हैज बीन रिमूव्ड, यदि मिट्टी रिमूव्ड में हटा दी जाती है फ्रॉम ए सर्टेन प्लेस, एक निश्चित स्थान से, बाई एरोजन जो अपरदन के द्वारा अगर मिट्टी को एक निश्चित स्थान से हटा दिया जाए तो इट इज पार्टिकल नॉन रिन्यूएबल, इसको आंशिक रूप से अनवीकरणीय संसाधन भी कह सकते हैं। बिकॉज क्योंकि ऑफ फॉर्मेशन न्यू सॉइल, क्योंकि नई मिट्टी को बनने में, नई मिट्टी के निर्माण होने में मेक टेक हंड्रेड्स सैकड़ों एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर हजारों साल ले सकते हैं, क्योंकि नई मिट्टी के निर्माण होने में सैकड़ों और हजारों साल लग सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय संसाधन भी कहा जा सकता है। सॉइल एरोजन, सॉइल एरोजन का मतलब होता है मृदा अपरदन। सॉइल एरोजन लिटरली मीन्स टू वियर अवे, जो अपरदन का जो शाब्दिक अर्थ होता है कि टू वियर अवे, एक स्थान से हट जाना या बह जाना। वैन विंड बिलो इट कैरीज अवे सेंड एंड सॉइल पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वैन माने जब, विंड बिलो जब हवा बहती है, इट कैरीज अवे तो यह उसको ले जाती है, सेंड माने बालू एंड सॉइल मिट्टी को, मिट्टी के कणों को, पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू, एक स्थान से दूसरे स्थान को, जब हवा बहती है तो इसके बालू और मिट्टी के कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहा ले जाती है या उड़ा ले जाती है। दिस रिमूवल ऑफ टॉप लेयर्स ऑफ सॉइल बाई विंड एंड वाटर इज कॉल्ड सॉइल एरोजन। दिस रिमूवल ऑफ टॉप लेयर, इस प्रकार मिट्टी की ऊपरी परत का हवा और पानी के द्वारा हट जाना, मृदा अपरदन कहलाता है। द टॉप लेयर्स ऑफ सॉइल कंटेन्स ह्यूमस एंड मिनरल साल्ट विच आर वाइटल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। द टॉप लेयर्स ऑफ सॉइल, मिट्टी की ऊपरी परत में ह्यूमस जीवाश्म होता है एंड मिनरल साल्ट और खनिज लवण भी होते हैं। मिट्टी की ऊपरी परत में जीवाश्म और खनिज लवण पाया जाता है, विच आर वाइटल,
जो मुख्य स्रोत होता है फॉर द ग्रोथ वृद्धि और प्लांट्स, जो पौधों की वृद्धि का मुख्य कारण माना जाता है। क्योंकि तो जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है उसमें जीवाश्म और खनिज लवण पाया जाता है जो पौधों की वृद्धि का मुख्य कारण होता है। थस इस प्रकार इरोजन कॉजेज ए सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ ह्यूमस एंड न्यूट्रिएंट्स एंड डिक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इस प्रकार इरोजन जो मृदा अपरदन होता है कॉजेज कारण होता है सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ ह्यूमस जीवाश्म एंड न्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्व। जीवाश्म और पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण क्या होता है लॉस होता है उससे मतलब हानि होती है एंड डिक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल और उससे मिट्टी की जो उत्पादकता शक्ति होती है वो घट जाती है। जब मृदा अपरदन हो जाता है तो उसकी क्या होती है जो ऊपरी परत होती है ऊपरी परत में क्या पाए जाते हैं जीवाश्म और पोषक तत्व पाए जाते हैं वो वहाँ से नष्ट हो जाते हैं। इससे मिट्टी की जो उत्पादक क्षमता होती है वो क्या हो जाती है घट जाती है अर्थात वो नष्ट भी हो सकती है। ओके थैंक्स।